हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से रिलेटेड। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का जो अदर नेम रहता है वो रहता है आपका एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। ओके, तो पहला तो आपको इसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपके पास, दिस वन इज एल्किल हैलाइड एंड दिस वन इज एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब बात आती है कि एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड कहते किसे हैं। तो प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस क्लासेस में आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा है, एलिफैटिक सिस्टम के बारे में देखा है, एरोमेटिक सिस्टम के बारे में देखा है। तो इन सभी सिस्टम में से हम क्या करें कि किसी कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम से। ओके, तो कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हैलोजन से, तो जो आपको मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा उसे आप कहेंगे हेलो एल्केन अगर वो एलिफैटिक सिस्टम है और हेलो एरिन अगर वो एरोमेटिक सिस्टम है। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इथेन है। तो मैंने एक स्टैंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और इस स्ट्रक्चर में क्या किया हमने कि एक टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? टर्मिनल हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करो माइनस एच और प्लस एक्स से, हैलोजन से, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक अदर मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें एक आपके पास कार्बन हैलोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो जो येलो हाइलाइटेड पोर्शन है ना, वो आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक, तो इसे हम कहेंगे हेलो एल्केन, दिस वन इज हेलो एल्केन, या फिर हम इसे कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ओके, अगर मैं अभी मैं इसका IUPAC नाम जस्ट हम बाद में देखते हैं। तो इस टाइप से रहता है आपका हेलो एल्केन। अब देखते हैं कि हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या बनेगी या हेलो एरिन कहेंगे किसे, इंट्रोडक्शन ही पार्ट है हमारा। ये इतने यूजफुल क्यों है, इनका क्या एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री में क्या रोल इनका रहता है, इसी के बेसिस के ऊपर हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या बनेगी देख लेते हैं, नोट कीजिए आप लोग भी साथ में, कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन या फिर एलिफैटिक सिस्टम और एरोमेटिक बाय किससे रिप्लेस करना है, बाय हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, बाय हैलोजन एटम्स। रिजल्ट क्या देता है हमको, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके, एल्किल हैलाइड अगर हमने एरोमेटिक सिस्टम यूज में लिया है तो क्या बनेगा, एंड एरिल हैलाइड। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन के नाम से भी जानते हैं। और जो एल्किल हैलाइड था उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड को हम जानते हैं हेलो एल्केन के नाम से। ओके, अब ये देख लिया, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और जस्ट मैंने आपको डिस्क्राइब करके भी बता दिया। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, केमिस्ट्री में ये इतना पॉपुलर क्यों है। तो केमिस्ट्री में ये इतना पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसकी कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक, व्हाई, अगर मैं बोलूँ कि व्हाई इट इज पॉपुलर, तो इसकी जो एप्लीकेशंस देखें हम, एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, एप्लीकेशंस जो है वो वाइड रेंज की एप्लीकेशन रहती है। लाइक एग्जाम्पल, ये इसके कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रहती है और इसके कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर है उनको डिजोल्व करने की एबिलिटी इसके पास रहती है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं।
तो पहला जो इसका है कि ये एज अ एंटीसेप्टिक की तरह भी हेलो एल्केन के डेरिवेटिव काम में आते हैं। तो पहला जैसे लिखता हूँ मैं, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के अंदर हमारे पास था क्लोरीन, हमारे पास ऐड रहता है एंटीसेप्टिक के अंदर क्लोरीन रहता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। अगर दूसरा मैं एक डेरिवेटिव का नाम आपके पास लूँ जो एज ए टाइफाइड के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज में लेते हैं, उसका नाम था, मैं आपको नाम लिखाता हूँ, क्लोराम फेनिकॉल। ओके, क्लोराम फेनिकॉल, ये आपका यूज होता है ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट इन टाइफाइड, फॉर टाइफाइड ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, फॉर टाइफाइड। दिस वन इज, जस्ट वन मिनट, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड ट्रीटमेंट। इसी तरह से तीसरा जो एक केमिकल है आपके पास वो है सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड, उसका नाम है क्लोरोक्विन, जो आपने काफ़ी फेमस नाम है ये क्लोरोक्विन। ये किस में काम आता है? मलेरिया फीवर को ट्रीट करने में इसको हम यूज में लेते हैं। ठीक, और क्या हम यूज लेते हैं? एज ए सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हम इन सभी को यूज में लेते हैं, और नॉन पोलार ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर नॉन पोलार ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इसे क्यों यूज में लेते हैं? एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ड्रग सिंथेसिस एंड अदर केमिकल सिंथेसिस, सिंथेसिस एज अ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर न्यू ड्रग, फॉर न्यू ड्रग सिंथेसिस, न्यू ड्रग सिंथेसिस एंड केमिकल, एंड अदर केमिकल, अदर न्यू की जगह लिखो अदर केमिकल, अदर केमिकल सिंथेसिस। ओके, ये आपने नोट कर लिया। तो ये हो गया आपके एप्लीकेशंस, हो गए कि एज ए एंटीसेप्टिक के तरह इसके डेरिवेटिव्स को हम यूज में लेते हैं, जैसा कि क्लोराम फेनिकॉल है, ये आपका टाइफाइड फीवर के अंदर यूज होता है, क्लोरोक्विनोन मलेरिया फीवर को ट्रीटमेंट में इसको यूज में लिया जाता है, और फिर जितने भी डेरिवेटिव्स है लाइक DCM है। अब अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो कुछ एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, लाइक DCM, डाइक्लोरोमिथेन, CHCl4 क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी टाइप से आपके अदर हेलो एल्केन के डेरिवेटिव्स आपके एज ए सॉल्वेंट की तरह काम में आते हैं। अब बात आती है कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ओके, तो अब टॉपिक डालो, क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं इसके बारे, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, तो ये टू टाइप से आपका रहता है। पहला जो मेन पॉपुलर टाइप है वो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि आपके गिवन कंपाउंड के अंदर या गिवन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हैलोजन है, उस हिसाब से आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन कैसे होता है? आपके पास होगा, और अगर आपके पास एक हैलोजन है तो मोनो डेरिवेटिव कहलाएगा, दो है तो डाई, थ्री है तो ट्राई, और पॉली नंबर है तो पॉली हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहलाएगा। तो यही रहता है, लाइक मोनो डाई एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोनो डाई और पॉली, पॉली में क्या क्या आ जाएंगे, ट्राई, टेट्रा, डॉट डॉट डॉट, पेंटा भी आ जाएगा आपका, ठीक है, कंपाउंड्स, मोनो डाई और पॉली हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। पहला तो यही था,
अब इसमें भी हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या अगर डाई हेलोजन कंपाउंड है तो दोनों हेलोजन एक ही एटम के ऊपर अटैच्ड है या दोनों हेलोजन अदर अदर एटम के ऊपर अटैच्ड है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कुछ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको राइट डाउन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक C2H5X, इसमें कितने हेलोजन है, सिर्फ एक नंबर ऑफ हेलोजन है। सेकेंड एग्जाम्पल C2 बॉन्ड C2, यहाँ पे आपका एक्स, यहाँ पे भी एक्स, इसमें टू हेलोजन एटम है। तीसरा आपके पास C2 बॉन्ड X बॉन्ड CH बॉन्ड X एंड बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, जो हेलोजन है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से। ये हेलोजन, ये हेलोजन, ये हेलोजन, दिस हेलोजन, दिस हेलोजन एंड दिस हेलोजन। अब इसको नेम दो, कुछ पॉपुलर नेम्स होते हैं, कुछ ट्राइबल्स नेम होते हैं, कुछ IUPAC नेम होते हैं। तो अगर मैं इसका नॉर्मल नेम देखूँ तो ये आपका कहलाता है मोनो हेलो एल्केन। क्या कहलाता है आपका? मोनो हेलो एल्केन। ओके, क्यों? क्योंकि हेलोजन एक है इसलिए मोनो हेलो लिखा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका, अगर नोमेनक्लेचर हमको देखना है तो ये आपका बताएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ओके, और इसका नोमेनक्लेचर क्या बनेगा आपके पास? ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ओके, अगर यही सिस्टम आपके ये तो ट्राइबल्स या नेम है, IUPAC नेम अगर आपको देना है तो यहाँ पे क्या करोगे, नेमिंग करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल CH2 बॉन्ड BR, अब इसका नाम क्या है IUPAC नेम, तो आपको बताना पड़ेगा। पहले नंबर दे दो 1, 2। ओके, अकॉर्डिंग टू 1, 2, तो यहाँ लिखेगा 1, 2, डाई ब्रोमो, एंड देन कितने नंबर की कार्बन चेन है, 2, तो ये आएगा आपका इथेन, डाई ब्रोमो इथेन। तो ये आपका हो गया IUPAC नेम। अगर आपका हेलोजन कंपाउंड एरिल या एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा है तो उसका नेम क्लेचर क्या होगा? हेलोजन, या तो नंबर ऑफ हेलोजन एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तो उस कंडीशन में देख लेते हैं, आपका ये एरिल सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास हेलोजन है एक्स, दूसरा कोई एरिल सिस्टम है यहाँ पे आपके पास दो है, दिस एक्स और इसके ऑर्थो पोजिशन पे दूसरा है एक्स, और एक है उसमें आपके पास 3 है, 1, 2, 3। इसका नाम क्या कहलाएगा? इसका नाम कहलाएगा मोनो हेलो एरिन। ये क्या रहेगा? दिस वन इज मोनो हेलो एरिन, ये आपका क्या कहलाएगा? डाई हेलो एरिन। तो इसमें आप पोजीशन भी दे सकते हो, लाइक 1, 2, आप लिखोगे 1, 2 डाई हेलो एरिन। क्योंकि अगर आप डाई लिख दोगे ओनली डाई हेलो एरिन, तो आप पोजीशन नहीं बता सकते कि एक एक्स के रेस्पेक्ट में दूसरा एक्स या हेलोजन कहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें आप लिखोगे 1, 2, 3 ट्राई हेलो एरिन। ओके, अब आता आपका, इसमें आपको ये चेक करना पड़ता है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्या देखेंगे दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन था, दिस वन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, नेचर ऑफ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हेलोजन, कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हेलोजन एटम। ओके, तो इस टाइप में भी आपको देखिए थ्री टाइप के आपके पास कार्बन के नेचर होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन। अगर कोई भी एरिल सॉरी हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन कंटेनिंग कार्बन से अटैच्ड है तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और टर्सरी कार्बन से अटैच्ड है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब ये रिकॉग्नाइज करना कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो सिंपल था, जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच्ड है
वो कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, ओके। तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी या वन डिग्री कार्बन, ओके। तो इस पूरे डेरिवेटिव को हमको बोलेंगे इस पूरे डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस वन सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे कार्बन, इसकी वैलेंसी देख लेते हैं। इस कंडीशन में ये जो कार्बन है स्टडी वाला कार्बन, ये आपका कहलाएगा प्राइमरी प्राइमरी कार्बन, और इस डेरिवेटिव को हम बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकंड की बात करें तो वो आपके पास समथिंग रहेगा लाइक कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन अदर टू कार्बन से अटैच्ड रहना चाहिए। तो मैं जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उसे येलो मार्क करता हूँ, और ये येलो मार्क्ड कार्बन अदर टू कार्बन जिसे मैं ग्रीन मार्क करता हूँ उससे अटैच्ड है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। अब इनकी वैलेंसी को फिलफिल कर दो किसी भी से, ये आपका है सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन है और ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और थर्ड पोर्शन क्या था आपका, अगर थर्ड की बात करें हम, उसमें क्या देखना पड़ता था कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन थ्री अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, थ्री। तो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन एंड तीसरा कार्बन। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, सेंटर कार्बन को एक्स से और दो सराउंडेड कार्बन है थ्री उसे मैंने ग्रीन से, और वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए वैलेंसी फुलफिल कर दो, ठीक। यहाँ पे कुछ भी एटम्स या हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। तो ये है टर्सरी, इसको क्या कहते हैं, टर्सरी टर्सरी कार्बन, और ये जो आपका डेरिवेटिव कहलाएगा वो टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड, ओके माय डियर। अब कुछ विशेष नोमेनक्लेचर भी होते हैं कि आपका जो हैलोजन है वो कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ नेम्स रहते हैं। लाइक अलाइलिक हैलाइड भी आपके पास रहता है, तो हम उसको भी देखते हैं। अलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे, वो देखते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक पोजीशन क्या होते हैं, पहले तो हम देखते हैं अलाइलिक पोजीशन। तो अलाइलिक पोजीशन उसे कहते हैं जिसमें आपका एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये ch2, ये आपका होगा ch, और ये आपका स्टडी वाला कार्बन ch2, और इसका एक बॉन्ड खाली है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये आपका कहलाएगा अलाइलिक, और ये जो पोजीशन है वो अलाइलिक पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक। ये आपके पास है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये आपके पास क्या है, ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाइब्रिडाइज कार्बन है, ओके। और इस CH2 से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये X, तो ये आपका कहलाएगा अलाइलिक, सॉरी अलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा आपका, अलाइलिक हैलाइड। X की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, ये है आपके पास अलाइलिक हैलाइड। यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन फर्दर किसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है। अब है आपके पास बेंजिलिक हैलाइड, तो बेंजिलिक पोजीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। तो अलाइलिक हैलाइड एलिफैटिक सिस्टम में भी होता है और एरोमेटिक सिस्टम में भी होता है। तो अगर मैं एरोमेटिक सिस्टम की बात करूँ तो ये एरोमेटिक सिस्टम कुछ इस टाइप से निकलेगा, ये आपका डबल बॉन्ड, और इसके एडजेसेंट ये जो पोजीशन है अगर यहाँ पे कोई एक्स आपने जोड़ा तो ये आपका बन जाएगा अलाइलिक साइक्लिक अलाइलिक हैलाइड, ओके। तो ये भी आपका अलाइलिक पोजीशन था, अलाइलिक पोजीशन, और यहाँ पे आपने जोड़ दिया एक्स, तो ये था आपका साइक्लिक अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है।
आपके पास व्यंजलिक पोषण, तो व्यंजलिक पोषण किसे कहेंगे देख लेते हैं। व्यंजलिक पोषण, देखिए व्यंजलिक पोषण में एरोमेटिक जो कार्बन रिंग है, दिस एरोमेटिक कार्बन रिंग, इसके साथ कोई अटैच्ड है CH3। अब CH3 में से आप क्या करें, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हाइड्रोजन को एक एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, थ्री में से एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कम करोगे तो आपके पास बचेगा CH2 एक बॉन्ड, और ये तो ये जो पोजीशन है कार्बन की, इस कार्बन की पोजीशन जो है एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे कुछ भी आके अटैच हो सकता है, तो ये आपकी है बेंजिलिक पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, बेंजिलिक, बेंजिलिक पोजीशन, बेंजिलिक पोजीशन। ओके, जब भी आपका कोई हैलोजन इस पोजीशन के ऊपर अटैच रहता है तो हम उसे कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एक्स अटैच्ड है, ये आपका CH2 है, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम हो गया, तो ये आपका कहलाएगा बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें अब बेंजिलिक हैलाइड भी आपके प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड भी हो सकता है, तो ये डेफिनेटली प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड है। अगर सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड की बात करते हैं तो वो कैसा होगा, देखिए दो जो एच बचे हैं ना वो भी एच भी रिप्लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कार्बन इसकी जगह आर प्राइम जोड़ दिया और एक एच रखा और चौथी वैलेंसी सिर्फ एक्स से पूरी की है, ये सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड है। अगर मैंने यहाँ पे लिया इस कार्बन और यहाँ से दो कार्बन और जोड़ दिए, ये आर प्राइम, ये आर डबल प्राइम, और तीसरा कार्बन तो खुद बेंजीन का कार्बन है, और यहाँ पे फोर्थ वैलेंसी हैलोजन से फिलफिल की, तो ये टर्शरी बेंजिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल आपके पास देखने को मिलेगा। अब इसका क्या आता है, नॉमिनक्लेचर आपसे कई बार पूछा जाता है, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इसका नॉमिनक्लेचर आपको देना होता है। ओके, तो नॉमिनक्लेचर में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, IUPAC नॉमिनक्लेचर आपको याद रखना है। क्या रहेगा नॉमिनक्लेचर में, IUPAC नॉमिनक्लेचर, IUPAC। हमने देखा था कि जब भी कोई हैलोजन एटम अटैच रहता है कार्बन चैन से, ओके, या कार्बन ब्रांच से, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हैलोजन एटम को मिनिमम नंबर ऑब्टेंड हो। अगर टू या टू से मोर टाइप के हैलोजन एटम है तो जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उस ओर से आपको नंबरिंग करनी है कि हाई एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को मिनिमम नंबर ऑब्टेंड हो। तो चलिए इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ आपके पास एग्जाम्पल दे रखे उसके IUPAC नॉमिनक्लेचर नेम क्या होंगे वो देख लेंगे, CH3 CH2 CH2 BR। तो इसमें तो BR टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर दे दो 1 2 3। 1 नंबर पे ब्रोमो है तो आप नाम लिख दो 1 ब्रोमो प्रोपेन, और 1 2 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपेन, चाहे तो आप इसे मोनो ब्रोमो प्रोपेन भी बोल सकते हो। ओके, क्या बोल सकते हो, एन प्रोपिल ब्रोमाइड इसका नॉर्मल नेम होता है। नॉर्मल नेम क्या है इसका, नॉर्मल नेम वो है आपका एन प्रोपिल, एन प्रोपिल एन नंबर के कार्बन चैन है, और ये है आपका ब्रोमाइड जो कि हैलोजन अटैच्ड है, और ये आपका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। ओके, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से अगर आपके पास कोई अदर डेरिवेटिव है, लाइक इसी का एक डेरिवेटिव हम बात कर लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और इसकी फोर्थ वैलेंसी Cl से फुलफिल हो रही है, तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, नंबर दो। अब राइट से दो या लेफ्ट से दो, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन को तो वही नंबर मिलेगा, तो सपोज कीजिए कि मैंने राइट से दिया 1 2 3, लेफ्ट से दिया तो क्या हुआ, 2- क्लोरो, फिर आपका क्या बना 1 2 3, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ओके, 2- क्लोरो प्रोपेन आपके पास ऑप्टेंड होगा।
इसी टाइप से आपको अगर और डिटेल में देखना है तो आप इसका नोमेनक्लेचर भी देख सकते हैं, लाइक एक आपके पास एग्जांपल है नोमेनक्लेचर का, या क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, CH3 बॉन्ड, C बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl एंड CH3 बॉन्ड CH3, इसका नेम क्या है? ओके, तो नेम कैसे देंगे? पहला तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे हैलोजन एटम अटैच्ड है उसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग आप दोगे यहाँ से 1, 2, 3। ओके, तो 1 नंबर पे क्लोरो, तो नेम लिखोगे 1 क्लोरो। फिर 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2,2-डाइमिथाइल। और कितने नंबर की चेन है? तो 1, 2, 3, तो ये ले जाएगा आपका प्रोपेन। ये रहा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर एग्जैक्ट। अगर कुछ एरोमेटिक सिस्टम आ जाए आपके पास, एरोमेटिक सिस्टम भी आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रहा दिस वन, दिस वन, एंड दिस वन, इनके नेम क्या क्या बनेंगे? तो इसमें तो सिंपल है, पहले वाला स्ट्रक्चर तो अगर मैं इसका जनरल नेम बोलूँ तो ब्रोमो बेंजीन है। क्या है जनरल नेम ही इसका? ब्रोमो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC नेम भी इसका ब्रोमो बेंजीन ही है, ब्रोमो बेंजीन। अब नंबरिंग करने की स्टार्ट या आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, इसलिए नंबर हमें नहीं देना है। यहाँ पे कहीं पे भी दोगे तो वो 1 नंबर पे आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर जो सेकंड केस है, ये फर्स्ट और ये सेकंड जो स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आपको नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं से भी नंबर दो, तो 1, 2, 3, तो जो आप 2 ब्रोमाइड है वो 1 एंड 3 पोजीशन के ऊपर ऑक्यूपाइड है। तो आपको यहाँ पे जो इसका ट्राइबल नेम है वो रहेगा आपका मेटा डाइब्रोमो बेंजिन, डाइब्रोमो बेंजिन। ये इसका नॉर्मल नेम था। ओके, और ये जो नीचे वाले लाइन में IUPAC नेम है, IUPAC नेम क्या रहेगा इसका? अगर IUPAC नेम की बात करें तो 1,3, सॉरी 1,1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। इसी तरह अगर मैं इस वाले के नाम की बात करूं तो ये बनेगा आपका, नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 3, 5। और अगर इसका जो नॉर्मल नेम है वो रहता है आपका सिमेट्रिक ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये रहता है सिम, सिम यानी सिमेट्रिक। फिर आपका रहता है ट्राइब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और ये रहेगा आपका बेंजीन। और जो इसके IUPAC नेम है वो रहेगा आपका 1,3,5, ये रहेगा आपका ट्राइब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके, इसमें पोजीशन आपको देना बताना पड़ेगा कि 1, 3 एंड 5 पोजीशन के ऊपर आपके ब्रोमो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर कई बार होता है ना कि जो ब्रोमीन्स है या हैलोजन है वो एक ही एटम के ऊपर 2 ब्रोमीन या हैलोजन अटैच रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया एग्जांपल, एक आपको पूछा कि इसका नाम क्या है, क्या नाम दिया था, CH3 बॉन्ड CHCl2। अगर स्ट्रक्चर में इसका ड्रॉ करो तो समथिंग ऐसा आएगा, सी दूसरा कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और बाकी के 2 हेलोजन, यानी एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन प्रेजेंट है, तो वो कहलाते हैं जेमिनल डाईहैलाइड। क्या कहलाते हैं बेटा? जेमिनल डाईहैलाइड, नॉर्मली जेमिनल डाईहैलाइड के रूप से ये जाने जाते हैं। और अगर 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है तो वो वाइसिनल डाईहैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे ये है आपका जेमिनल डाईहैलाइड, शॉर्ट में इसे लिखते हैं जेम, फिर डाईहैलाइड, डाईहैलाइड इसे शॉर्ट में लिखते हैं जेम डाईहैलाइड। IUPAC नेम कॉमन नेम क्या है इसका?
वन एंड टू, तो इसे हम लिखते हैं एथिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम है इसका कॉमन? एथिलीडीन क्लोराइड। बट अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूँ तो नॉर्मली आईयूपीएसी नेम ही आपको याद रखना, तो ये वन नंबर ये टू नंबर, तो नाम रहेगा इसके आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? आईयूपीएसी नेम रहेगा आपके पास 1.1 डाई हेलो 2 कार्बन के लिए इथेन, तो दिस वन इज इथेन। ओके, इसी तरह अगर ये तो था जेमिनल डाई हैलाइड के बारे में, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, इम्पोर्टेंट है। एक आपके पास रहेगा वाइसिनल पोजिशन भी आएगी, वाइसिनल हैलाइड में क्या होता है बेटा कि दो हैलोजन एटम दो कार्बन एटम दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच रहते हैं। ये दो एडजेसेंट कार्बन और ये दो हैलोजन एटम इन दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच है और इनकी फोर वैलेंसी फुलफिल रहती है। ओके, तो ये इनकी वैलेंसी फुलफिल कर दो। अब इसका नाम दे रहे हैं आपको, तो नाम कैसे देंगे? नेमिंग करो, ये वन नंबर ये टू नंबर। नेम करने के बाद क्या बने आपका? ये बनेगा आपका 1.2 डाई हेलो इथेन, 1.2 डाई हेलो इथेन, ये आपका था इसका आईयूपीएसी नेम। और जनरली इसको बोलते हैं वाइसिनल विक डाई हेलाइड। क्या नाम है इसका? जनरल विक डाई हेलाइड इसको बोलते हैं। तो ये रह गया आपका आईयूपीएसी नेम 1.2 डाई हेलो इथेन। अब हम देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और उनके कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम के बारे में देख लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, मैं उसको राइट डाउन कर लेता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रहता है वो रहता है स्ट्रक्चर है आपका सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का, वो रहता है आपके पास CH3CH2, ये CH, और यहाँ पे आपके पास एक क्लोराइड जुड़ा हुआ है और लास्ट टर्मिनल में रहेगा CH3। इसका कॉमन नेम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। और IUPAC नेम इसका है, अगर मैं नेम देना चाहूँ तो राइट साइड से मुझे नेम देना पड़ेगा ना, तो वो रहेगा बनेगा आपका 2-क्लोरो-ब्यूटेन। इसी टाइप से इसमें एक चलेगा न्यू पेंटिल ब्रोमाइड भी चलेगा, या एक आपका चलता है लाइक दिस वन। इस कार्बन से 3-मिथाइल जुड़े हुए, इसे हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसे क्या कहेंगे हम? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर देखूं तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी ना आपको, तो दिस वन इज वन नंबर, दिस वन इज टू नंबर, दिस वन इज थ्री नंबर। तो क्या बनेगा आईयूपीएसी नेम इसका? जो बनेगा वो रहेगा 2-ब्रोमो-2 मिथाइल, और जो चैन है वो है आपकी प्रोपेन की, प्रोपेन 2-ब्रोमो-2 मिथाइल प्रोपेन आपका आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर बनेगा। ओके, इसी टाइप से आपके पास रहता है लाइक वाइनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास इस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CH देन Cl, ये है आपका वाइनिल क्लोराइड। और इसका जो आईयूपीएसी नेम रहेगा, तो आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करने पड़ेगी? तो यहाँ से राइट साइड से, दिस वन इज वन एंड दिस वन इज टू, तो 1-क्लोरो का क्या रहेगा? 1-क्लोरो और दिस वन इज 1-क्लोरो, और आपके पास था एथिन या क्लोरो एथिन भी बोल सकते हो आप, 1-क्लोरो, या फिर आप इसे नॉर्मली बोल सकते हो क्लोरो एथिन। ओके, एक है आपके पास अलाइलिक सिस्टम का, ले लेते हैं हमारे पास लाइक दिस वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH देन आफ्टर बॉन्ड CH2 Br, तो ये अलाइलिक पोजीशन के ऊपर Br जुड़ा हुआ है ना, तो इसका जो
नॉर्मल नेम है, वो आपके पास रहता है अलाइलिक ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। और अगर इसका आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर पूछा जाए तो आपको जो नंबरिंग है वो राइट से देनी है, 1, 2, 3। तो इसमें रहेगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, आपके पास है 2 नंबर पे इन है, तो उससे पहले मैं नंबर ऑफ कार्बन लिख देता हूँ 1, 2, 3। फिर आप लिख दो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपने लिख दिया प्रॉप, या 2-propene भी लिख सकते हो, तो -2-propene प्रॉपी, ओके, इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ नेम्स थे जो आएंगे, हम कुछ अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेते हैं, ओके। तो देखिए, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके अंदर हेलो एल्केन के अंदर एक क्वेश्चन है, इसका आपको आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर बताना, पीएसी नेम बताना है। तो वो आपके पास है लाइक CH3, ये स्ट्रक्चर आपके पास ड्रो है, आपको बताना रहेगा इसका नाम BR, और दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज H। देखिए इसका नाम आपको बताना है। अब पोजीशन देखिए कि सबसे पहले हैलोजन कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आपका कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, और दिस कार्बन फर्दर आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, ये आपका है sp3 है, और ये आपका फर्दर फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, तो ये आपकी मेनली अगर मैं नॉर्मल देखो तो अलाइलिक, अलाइलिक पोजिशन के ऊपर ये अटैच्ड है। मुझे आईयूपीएसी नेम देखना है इसलिए नंबरिंग देना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा लेता हूँ, नंबरिंग देने के लिए ये काम नहीं है हमारे पास, तो नंबर दीजिए, दिस इज जहाँ पे ब्रोमाइड अटैच्ड है उस कार्बन को 1 नंबर, फिर दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। तो क्या बनेगा आपके पास नेम, आपके पास जो नेम बनने वाला है वो रहेगा आपके पास 4, दिस वन। तो आपको नेमिंग जो देनी है, देखिए अब इसमें लॉन्गेस्ट जो चैन है, पहले तो मैं इसे वापस से रब करके वापस बनाता हूँ जो आपको समझ में आए, देख लेते हैं। फर्स्ट कार्बन दिस वन, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर आपका नीचे, फिर दिस वन इज BR, और यहाँ पे आपके पास है CH3। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले सेलेक्ट कीजिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी जो बनेगी वो रहेगी दिस, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड 5, ओके। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की चेन बनेगी। नंबरिंग अगर मैं, और यहाँ पे दे रखा है H, इसकी भी फोर्थ वैलेंसी H से फुलफिल है। अब नंबरिंग आपको दो टाइप से जगह से दे सकते हो, अगर आप बॉटम से देते हैं यहाँ से, तो 1, 2 नंबर पे ब्रोमाइड को 2 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर आपको मिलेगा एल्कीन को, तो 2+3 5 हो गए। और अगर आप ऊपर से देते तो 1, 2, 3, 4 नंबर को आपको ब्रोमो, जो आपका ब्रोमो है उसे कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, ओके। तो एल्कीन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से आपको नंबर देना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 2+4 कितने हुए, 6। अगर मैं डाउन टू अप देता तो क्या होता, ये 1 नंबर रहता, ये सेकंड नंबर रहता, ये थर्ड नंबर, ये 4, ये 5। इस कंडीशन में कितना जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 2+3 कितना होता, 5। लेकिन आपने को पता है कि एल्कीन को आपको मिनिमम नंबर देना होता है, इस कंडीशन में एल्कीन को 3 नंबर जा रहा है, पहले वाले कंडीशन में 2 नंबर आ रहा है, इसलिए आपको 2 नंबर वाले को प्रायोरिटी देनी है। और आपका जो नेमिंग होगा वो किस टाइप से होगा, राइट नेमिंग को मैं रखता हूँ, इसे आप रखिए, ऊपर वाले को मिटा दीजिए। तो ये आपका रहेगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ब्रोमो पहले आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 ब्रोमो, ओके।
फिर आपके पास कितने नंबर की चैन है, पांच, तो यहाँ पे आएगा पेंट, फिर डैश, टू नंबर पे इन है तो टू डैश इन, फोर ब्रोमो पेंट टू डैश इन, तो इस टाइप से आप नॉमिनक्लेचर दे सकते हैं। अगर सेकंड एग्जांपल इसी के अंदर आपके पास एक और एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, देखते हैं एग्जांपल मैं ड्रॉ करता हूँ मॉलिक्यूल, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। एंड दिस सी एच थ्री एंड दिस वन इज एच। देखिए अब इसके अंदर क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, तो दिस या तो हो सकती है वन, इसी लीजिए तो वन टू थ्री फोर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फोर हो सकती है, इसे लेंगे तो वन टू थ्री, तो फिर तो आधा भाग एल्किन का बाहर रह जाएगा, तो वो तो लेंगे नहीं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लेंगे वन टू थ्री फोर, ओके। और नंबरिंग ऐसे करनी है तो एल्किन को मिनिमम नंबर मिले, तो ये आपका वन टू थ्री एंड फोर, थ्री को सही से लिखेंगे। अब नाम दे दीजिए इसका, तो नेम कैसे दे देंगे, तो देखिए ब्रोमो कितने पोजीशन पे, थ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री ब्रोमो, ओके। फिर है आपके पास मिथाइल कौन से नंबर पे, टू पे, तो डैश टू डैश मिथाइल, कितने नंबर की चैन है, वन टू थ्री फोर, तो ये रहेगा आपका ब्यूट डैश वन डैश इन, ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कौन सा हम देखते हैं, लास्ट वन जो हम लेंगे, आई पी सी नॉमिनक्लेचर में ही लेंगे हम, कि एक और दिस वन इज लेते हैं हम लोग सी एच थ्री बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दिस वन सी एच थ्री, दिस बी आर, एंड यहाँ पे आपके पास है एच, ये एच और ये भी एच। अब आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए इस स्ट्रक्चर में, तो दिस कार्बन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस फोर्थ को ऊपर वाले को नहीं लेना, क्योंकि ऊपर वाले के लेंगे तो ब्रोमाइड रह जाएगा, तो ये आपका फोर नंबर का कार्बन चेन है। नंबरिंग ऐसे देना है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। देखिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ तो ये वन नंबर, इसे टू, इसे थ्री, इसे फोर, डाउन टू अप, अगर मैं अप टू डाउन देता तो भी जो आपका एल्कीन है उसे टू नंबर ही मिलता, फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर, लेकिन ब्रोमो वाले कार्बन को फोर नंबर मिल जाता, बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में एल्कीन को तो दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, लेकिन ब्रोमो को डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं, तो कौन सा नंबरिंग करने पे ब्रोमो को मिनिमम मिल रहा है वो आपका राइट रहेगा, यानी हाई प्रायोरिटी के अंदर रहेगा, जिस साइड से नंबरिंग करने पे ब्रोमो को कम मिले वो वाला आपका राइट नेमिंग या सीक्वेंस आपको यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो रेड वाले को आपको अप करना है, आपका जो राइट नेम है वो वन टू थ्री फोर वाले रूल से ही आएगा, तो वन पोजिशन पे क्या आपका वन ब्रोमो, टू के ऊपर मिथाइल है तो डैश टू डैश मिथाइल, और टोटल फोर कार्बन है तो आपके पास आया ब्यूट डैश टू डैश इन, ये आपके पास बन गया आई यू पी सी नेम, ये नेम हो गया आई यू पी सी। फिर से लिख देता, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वन ब्रोमो डैश टू डैश मिथाइल ब्यूट डैश टू डैश इन, ओके। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।